हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए वेक्टर इक्वल आई माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर इक्वल 3i माइनस 2j प्लस 2k। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे, इसके बाद उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, दो तरीके ए क्रॉस बी को निकालने के लिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा और एन केप साथ रखते हैं। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल सकते हैं, मगर एंगल हमें पता नहीं है, ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। दूसरा फार्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, यहाँ डायरेक्शन रेशियो पहले वेक्टर का a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 क्या होते हैं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, और a2 b2 c2 क्या होता है, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज। और स्टूडेंट्स पहले हम ए क्रॉस बी निकालते, इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालते। हियर पहले हम दो वेक्टर को सामने रखते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई माइनस 7j प्लस 7k। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 2k। फर्स्टली वी फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए फार्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, फिर यहाँ लिखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। ए वन का वैल्यू होते हैं a1 b1 c1 पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, 1 माइनस 7 7 1 माइनस 7 7, बी वेक्टर के 3 माइनस 2 2। स्टूडेंट्स पहले हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है, उसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट में, सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट, वही तो लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट कॉमा वी गेट, क्या आएगा, आई से निकालो आई, फिर आप डिटरमिनेंट लिखते थे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -7 7 -2 2। इसके बाद आई के बाद जे से निकालना है, जे के लिए क्या होता है, ये प्लस का निशान रखता है, ये माइनस का, ये आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट में, कैंसिल क्या होगा, ये रो और दूसरा कॉलम 1 7 3 2। के का पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए क्या, पहला रो और तीसरा कॉलम 1 माइनस 7 3 2। अब स्टूडेंट से सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, आई वापस रखते हैं, आई एंड माइनस 7 को 2 के साथ, इसको इसके साथ करना है, माइनस 2 को 7 के साथ, बीच में माइनस रखना है, -14, फिर बीच में पहले माइनस रखना है, 7 2 -14, माइनस माइनस क्या बनेगा, ऐसे रखना है, फिर माइनस जे 1 2 2, बीच में क्या रखना है, -7 3 21। इसके बाद के केप 1 को 2 के साथ 1 2 2, माइनस माइनस 7 को 3 के साथ -21 इक्वल, ये ए क्रॉस बी यहां से निकाल रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं, यहां क्या आएगा, आई टाइम्स 14 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस जे क्या आएगा, फिलहाल ऐसे वापस रखो 21 प्लस के टाइम्स 2 माइनस माइनस प्लस 21। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे इजी है, 14 और 14 कितना होता है, 28 28 आई, माइनस जे फिलहाल वापस, 2 प्लस है 21 माइनस है सबट्रैक्ट माइनस 19 प्लस के टाइम्स
टू और 21 कितना होता है 23। अब ये हम सीधे लिखते हैं, पहले क्या आएगा 28i माइनस माइनस प्लस 19j प्लस 23k आया a वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डायरेक्शन रेशियो को अंडर रूट लगाना है, 28 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर। अब क्या आएगा, बस स्टूडेंट्स ये सॉल्व करना है, वो तो आपको आंसर आएगा। अंडर रूट ऑफ 28 सॉल्व करना है, 19 सॉल्व करना है, 23 को सॉल्व करना है, दो बार एंटर करना है, वहीं पर आंसर रखना है। ये पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालें परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के पीछे से वेक्टर लिखा होगा तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, करना है। अगर ये वेक्टर यहाँ नहीं होता, ऐसा होता फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ये बोल रहे यूनिट वेक्टर निकालो, मगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए ये पीछे से वेक्टर दिखा रहा है, जब ये वेक्टर लिखेगा पीछे से तब ये एक वेक्टर फिर से बनेगा, वरना डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर नहीं निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर निकलेगा। ये बोल रहे हैं इन दोनों को क्रॉस करो तो वेक्टर निकलेगा, ताकि फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाले। पहले में ए प्लस बी निकाले, हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, पहले मैं ए और बी को जमा करूं, ए और बी को माइनस करूं, फिर उन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है। हियर ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j प्लस 2k, बी वेक्टर कितना है i प्लस 2j माइनस 2k। पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते, वेक्टर को जमा कैसे करते, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ ऐड करना है, 3 प्लस 1 आई प्लस 2 प्लस 2 जे प्लस 2 माइनस 2 के, प्लस माइनस माइनस बनेगा, 3 और 1 कितना होता है 4i 4j 0k, 0k लिखने की जरूरत नहीं था। अब क्या निकालेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या आएगा, 3 माइनस 1i 2i 2 माइनस 2j प्लस 0j 2 माइनस माइनस प्लस 4k। ये था a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, वहां से एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ प्लस करना है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ माइनस करना है, बाद में इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। अब आपको यह निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्रॉस करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, इसका वैल्यू क्या आएगा 4i प्लस 4j प्लस 0k क्रॉस, इसका क्या आएगा a माइनस बी का 2i प्लस 0j फिर क्या आएगा प्लस 4k। अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस कैसे करते हैं, सीधे डिटरमिनेंट के थ्रू, यहां डिटरमिनेंट बनाना है i j k वेक्टर,
पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशो लिखना है, इसके बाद दूसरे वेक्टर का 440 और क्या आएगा 204। अब सीधे आपको ये सॉल्व करना है, जो यहां से वेक्टर मिलेगा उसका।